आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके लोग, आपके पास्टर्स भी, आपका बॉस, आपका एम्प्लॉय, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, जब उस ग्रेस को देखते हैं जो खुदावंद के आपके सिर के ऊपर है, वो आपको सपोर्ट करने लगते हैं जो पहले नहीं करते थे। वचन में लिखा है जब उन्होंने उस ग्रेस को समझ लिया जो पौलुस के ऊपर थी, उन्होंने प्रैक्टिकली जब उसको देखा, और ग्रेस आई कैसे, अनुग्रह आया कैसे, बाइबल कहती है एस्तर ने राजा और उसके काम करने वाले लोगों के आंखों में अपने लिए अनुग्रह को पाया। जब ग्रेस आपकी लाइफ में आती है, आप उन्हीं मनुष्यों से निकलते हैं और ऊंची कुर्सी पर चले जाते हैं। एक ग्रेस आपकी लाइफ में होती है, बाइबल कहती है तेरे भाइयों के मध्य में मैंने तेरा अभिषेक किया। उसी परिवार में आप पहले होते हैं जो उस शराब को तोड़ने वाले होते हैं। उसी परिवार में आप पहले होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज लेते हैं, जो अपनी गाड़ियां लेते हैं, जो शराबों को तोड़ते हैं, जो व्यभिचार से बाहर आते हैं, जो नशों से बाहर आते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरते हैं, खुदावंद के लिए काम करते हैं, ऐसे देशों में जाते हैं जो आपके परिवार नहीं गए। ये ग्रेस के साथ पॉसिबल है। और बाइबल कहती जब उन्होंने ग्रेस देखी, अनुग्रह देखा पौलुस के ऊपर, कि ये जो ग्रेस है, ये जो अनुग्रह है, ये नॉर्मल नहीं है। बाइबल कहती जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, उन्होंने भी दाहिना हाथ अपना, अपनी सपोर्ट को, उनको, उसको बरनबास को अपनी सपोर्ट दी और कहा जाओ कंगालों की सुधि लो। और बाइबल कहती पौलुस ने कहा ये काम मैं खुद भी करने का यत्न कर रहा था। एक ग्रेस जब आपकी लाइफ में आती है, आप बदल जाते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है, फैमिली मैटर चेंज हो जाते हैं, कलेश खत्म हो जाते हैं, स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं। जब फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आता है, तो वो फेवर गवर्नमेंट की आंखों में आपके लिए हो सकता है, वो फेवर जहां आप काम करते हैं, वो फेवर जहां आप काम करवाते हैं, वो फेवर आपकी फैमिली में हो सकता है, वो फेवर हर जगह पे काम करता है। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि हम अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह पा सकें। अगर आपकी लाइफ पे फेवर नहीं है, हस्बैंड में कोई कमी नहीं, वाइफ में कोई कमी नहीं, लेकिन हस्बैंड की अभी भी जो आंखें हैं वो दूसरी ओर लगी हैं, क्योंकि आपने फेवर नहीं पाया। आप इंटेलिजेंट है, लेकिन बिजनेस में अभी भी कामयाबी खोज रहे हैं, क्योंकि आपने फेवर नहीं पाया अभी। आपको हर काम के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक वो ग्रेस आपकी लाइफ में नहीं है। और बाइबल कहती है पौलुस की लाइफ में, अगर आप ध्यान से उसे पढ़ें, तो जब उसने जीसस क्राइस्ट को माना, जब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, उसको अंधा कर दिया, अगर पौलुस प्रेरित ना होता तो आज लोग किसी को भी प्रेरित नहीं मानते और ये बोलते कि नहीं, जिन लोगों को परमेश्वर ने अपने हाथों से चुना था वही प्रेरित थे, बाकी कोई नहीं। जबकि पौलुस ने परमेश्वर से कभी मुलाकात नहीं की थी फिजिकली, जब वो शारीरिक रूप में थे परमेश्वर से वो कभी नहीं मिला था। जब यीशु मसीह स्वर्ग चले गए और पिता के दाहिने हाथ बैठ गए और पौलुस कलीसिया को सताने लगा, तो तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसको अंधा कर दिया, और 3 दिन रात पौलुस ने कुछ नहीं खाया और प्रार्थना की। फिर परमेश्वर ने अपने दास हनन्या के दिल में डाला कि वो जाकर पौलुस के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करे, और पौलुस ने जब आंखें पाईं और फिर उसने यीशु मसीह का प्रचार किया, पहले दिन उसकी लाइफ के ऊपर ग्रेस नहीं थी, उसने थोड़ी सी ग्रेस को पाया। जो ग्रेस है वो एक बच्चे की तरह है। बाइबल कहती है हर एक जन जो बचाया जाता है उसे विश्वास का एक मेजर, ग्रेस का एक मेजर, एक माप दिया जाता है। आप आज विश्वासी हैं, आपको बच्चा ग्रेस दी जाती है, आपको 2 महीने की ग्रेस दी जाती, छोटा बेबी। उस छोटे बेबी को आप पालेंगे, उस छोटे बेबी को आप खिलाएंगे, उस छोटे बेबी को आप बड़ा करेंगे,
और जब वो ग्रेस बड़ी हो जाएगी आप बड़े काम करने लगेंगे। पौलुस ने, अगर आप पौलुस की जिंदगी को देखें तो बाइबल कहती है कि बहुत टाइम तक कलीसियाओं ने उस पर विश्वास नहीं किया। उनको लगता था नहीं, ये कुछ, ये पौलुस की कोई चाल लगती है, हमें मरवा ना दे, बहुत टाइम तक। लेकिन बाइबल कहती पौलुस ने प्रचार करता गया, वो प्रीच करता गया, वो अपना काम करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। मसीह में आने के 14 साल बाद उसको ये ग्रेस मिली। पौलुस की मिनिस्ट्री में पहले मिरेकल्स बड़े बड़े नहीं होते थे, वो जस्ट प्रीच करता था, बाइबल से प्रूफ करता था कि यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, उसने मुझे बदला है, मैं ऐसा था अब ऐसा हूं, सताने वाला था अब मैं प्रचारक खुद हूं। लगातार वो प्रीच करता गया बिना किसी मिरेकल के, बिना किसी बड़े परमेश्वर के कामों के प्रकटीकरण के। लेकिन बाइबल कहती वो अपना काम करता गया, ग्रेस बढ़ती गई, हीलिंग भी बढ़ती गई, फिर मुर्दे जिंदा हुए, सब ने जान लिया कि पौलुस परमेश्वर का दास है और उसको सपोर्ट किया। हालेलुया। अपनी मसीही जिंदगी में आप ऐसे ही बढ़ते हैं, आप पहले दिन से बड़े चमत्कार कई बार नहीं देख पाते, पहले दिन से बड़ी ग्रोथ नहीं देख पाते, पहले दिन से आप वो काम नहीं देख पाते, लेकिन परमेश्वर आपको इतनी ग्रेस देता है कि आप उस ग्रेस को डबल कर सकें, चार गुना कर सकें, उसको बढ़ा सकें। वो आपको विश्वास देता है। बाइबल कहती है हर एक विश्वासी जो मसीह में है उसके पास एक लेवल का विश्वास है, और जब वो विश्वास आप कायम रखते हैं दुखों में भी, तकलीफों में भी, सवालों में, जवाबों में भी, हर मौसम में भी, तो बाइबल कहती है वो ग्रेस आपकी लाइफ पर परमेश्वर बढ़ाता है, वो आपकी विश्वास योग्यता को देखकर अनुग्रह को बढ़ाता है। जब एक ग्रेस आपके परिवार में बढ़ती है फिर वही हस्बैंड आपकी बात सुनता है, फिर वही वाइफ आपकी बात सुनती है,